लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैक्स की मदद से कैप्टन गिल्ड्रे का गुना साबित हो जाता है और तब विजर्ड किंग कैप्टन यामी और आस्था को मैजिक स्टोन्स के बारे में बताते हैं और विजर्ड किंग द आई ऑफ मिडनाइट सन को और मैजिक स्टोन्स हासिल करने से रोकने के लिए ब्लैक बुल्स को अंडरग्राउंड टेंपल पर एक मिशन पर भेजते हैं। अब गाइस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो ये वाली वीडियो है ये यूट्यूब और लोगों तक भी पहुंचा सके। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ यूनो की टीम एक मिशन को पूरा करके वापिस आ रही होती है। तब क्लाउस कहता है, यूनो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विंड स्पिरिट सिल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लोग टीम है, तो इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। और हम देखते हैं यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच के देखते हैं कि नोवेल स्विम सूट ट्राई करते हुए चिल्ला रही होती है। तो यूनो पूछता है, आखिरकार यहाँ क्या हुआ? तो वैनेसा कहती है, हम सभी लोग बीच पर जा रहे हैं तो नोवेल को एक स्विम सूट की जरूरत है, इसलिए हम उसकी शॉपिंग के लिए यहाँ आए हैं। तब क्लाउस कहता है, तो क्या ब्लैक बुल्स काम छोड़कर फिर से मजे कर रहे हैं? तब वैनेसा कहती है, ये एक मिशन के लिए है। और तब वैनेसा यूनो को भी साथ चलने के लिए कहती है पर यूनो मना कर रहा होता है। और तब यहाँ चार्मी यूनो को वहाँ देखकर सपनों में खो जाती है और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब वहाँ की एक वर्कर नोवेल को एक स्विम सूट दिखाती है और कहती है, अगर आप इसे पहनोगे तो सभी लोग आपको ही देखेंगे। तब नोवेल सोचती है, तो क्या इसका मतलब वो बेवकूफ आस्था भी मुझे देखेगा और शायद इसमें मुझे देख के वो मेरी तारीफ ही कर दे। और तो नोवेल उसे खरीद लेती है। तब यहाँ अगले दिन सभी लोग बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब यहाँ नोवेल और आस्था मैग्ना के झाड़ू पर बैठ जाते हैं। तब मैग्ना कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब आस्था कहता है, मैं तो उड़ ही नहीं सकता हूँ। और तब नोवेल भी सेम बात करती है और कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक रॉयल्टी तुम्हारे झाड़ू पर बैठ रही है। और तब आस्था कैप्टन यामी के बारे में पूछता है। तब फिनरल कहता है, वो कुछ चेक करने के लिए गए हैं। और तब हम देखते हैं सभी लोग बीच के लिए निकल जाते हैं और तब हमें बताया जाता है आस्था और उसके साथी रोक्यो विलेज में जा रहे होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है और उसी वजह से वहाँ का मौसम काफी गर्म रहता है जिसकी वजह से वो जगह रॉयल्टी नोबल्स और मैजिक नाइट्स में बहुत फेमस है। और तब यहाँ आस्था फिनरल को स्पेशल मैजिक यूज करने के लिए कहता है। तब फिनरल कहता है, तुम तो जानते ही हो मेरा मैजिक तभी काम करता है अगर मैं किसी जगह पर पहले ही जा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और तब नोवेल ग्रे के बारे में पूछती है और हम देखते हैं ग्रे गोर्डन का रूप लेकर उनके साथ चल रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं असली गोर्डन को वो लोग बेस पर ही छोड़कर आ चुके होते हैं। और तब यहाँ आस्था और मैग्ना ओशन को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब नोवेल कहती है, आखिरकार तुम क्या बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे सामने ओशन ही तो है। जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब यहाँ बीच पर जाके आस्था सोचता है, ये इतना औसम है कि काश यूनो और बाकी सभी लोग भी इसे देख पाते और मैं एक दिन सिस्टर लिली को भी यहाँ लेकर आऊंगा। और तब आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज करने का सपना देखने लगता है। तब यह नोएल सोच रही होती है, आखिरकार ये इतना खुश क्यों लग रहा है, क्या ये रेबेका की दी हुई किसके बारे में सोच रहा है, पर इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे इससे कोई भी किस करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलो अब टाइम आ चुका है इस स्विम सूट को दिखाने का और मैं इसे दिखा दूंगी कि मैं रेबेका से कितनी अच्छी हूँ। और हम देखते हैं नोवेल बहुत शर्मा रही होती है और तब यहाँ मैग्ना और वैनेसा अपना अपना स्विम सूट दिखा रहे होते हैं और तब लक मैग्ना के स्विम सूट को आग लगा देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और तब यहाँ घोष मैरी को उसका पुतला बनाकर दिखा रहा होता है और तब मैरी एक्साइटेड होके ओशन देखने की बात करती है और तब मैरी आस्था को देखकर उसके साथ ओशन में घूमने की बात करती है जिससे घोष को गुस्सा आ जाता है। और तब यहाँ नोवेल आस्था को अपना स्विम सूट दिखाने की कोशिश कर रही होती है पर तभी हम देखते हैं घोष उस पर हमला कर देता है और तब यहाँ फिनरल भी लड़कियों के पीछे भाग रहा होता है। और तब यहाँ चामी आंखों पर पट्टी बांधकर वाटरमेलन को ढूंढ रही होती है पर वो वाटरमेलन की जगह आस्था के सिर को फोड़ देती है। पर हम देखते हैं तभी भी नोवेल आस्था को अपना स्विम सूट दिखाने की कोशिश कर रही होती है पर हम देखते हैं आस्था उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तब नोवेल गुस्से में उस पर फायर कर देती है पर हम देखते हैं वो फिर भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। तब नोवेल कहती है, मैं इस टाइम बस डिफेंस स्पेल ही अच्छे से कास्ट कर सकती हूँ।
और तब हम देखते हैं उस बीच पर सैके भी आ चुका होता है और अपने दोस्तों के सामने अपनी बहुत ज्यादा तारीफें करने लगता है। और तब वो अपने दोस्तों को लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कहता है और तब वो उन्हें नोवेल के पास भेज देता है और नोवेल उन दोनों की बेइज्जती कर देती है। तब सैके सोचता है ये लड़की तो ब्लैक बुल्स से है तो इसका मतलब आस्था भी यही होगा। और हम देखते हैं ब्लैक बुल्स खेलते हुए सैके पर हमला कर देते हैं जिससे वो ओशन में जा गिरता है। और तब आस्था कहता है पर एक मिनट रुको, हम तो यहाँ मैजिक स्टोन ढूंढने आए थे तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं। और तब कैप्टन यामी वहाँ पर आकर सभी को गाड़ देते हैं और कहते हैं ध्यान से सुनो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता चली है कि अंडरवाटर टेंपल ओशन की बॉटम पर है और उसके रास्ते में बहुत सारे मैजिक के कारण बहुत रुकावटें हैं और उन रुकावटों को एक फर्स्ट क्लास जादूगर भी पार नहीं कर सकता और हम फुल मून को ही वहाँ पर एंटर कर सकते हैं क्योंकि तब वहाँ पर मैजिक थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है और क्योंकि वो ओशन के बॉटम में है तो सिर्फ नोवेल का वाटर मैजिक ही हमें वहाँ पर लेकर जा सकता है। तब नोवेल कहती है पर मैं तो अपने मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर सकती और जो आप कह रहे हो उसके लिए मुझे अपने मैजिक पर पूरा कंट्रोल करना सीखना होगा और अगर मैं फेल हुई तो आप सभी लोग मारे जाओगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं सही कहा पर क्योंकि ये मिशन सिर्फ ब्लैक बुल्स को दिया गया है तो तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता तो फिर फुल मून एक हफ्ते बाद आएगा तो तुम्हें तब तक अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीखना होगा। तब हम यहाँ रात को देखते हैं नोवेल अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और सोचती है वैनिसा ने मुझे अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कुछ ट्रिक्स बताई हैं पर उनमें से कोई भी काम नहीं कर रही तो मुझे लगता है शायद मैं कभी भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी पर मुझे कोशिश करनी ही होगी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और तब हम देखते हैं आस्था भी ट्रेनिंग करते हुए वहाँ आ जाता है और तब आस्था नोवेल को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारे मैजिक को काट दूंगा जिससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तब नोवेल हाँ कह देती है और तब आस्था को एक गाना सुनाई देता है और तब वो दोनों एक लड़की के पास पहुँच जाते हैं जो की गाना गा रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं विजिट किंग अपने काम को छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं पर मार्क्स उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें डांटने लगता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी द आई ऑफ मिडनाइट सन का इशू भी रिजॉल्व नहीं हुआ है और आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तब विजिट किंग कहते हैं इससे याद आया कि आखिरकार ब्लैक बुल्स क्या कर रहे होंगे, काश मैं उनके साथ वहाँ जा पाता। और तब हम यहाँ देखते हैं सारे ब्लैक बुल्स अपने अपने ढंग से मजे कर रहे होते हैं और तब हम यहाँ देखते हैं तब वो लड़की शर्मा कर कहती है मुझे पता नहीं था कि मेरा गाना कोई सुन रहा है पर चलो कोई बात नहीं, तो क्या तुम लोग मेरे फ्रेंड्स बनना चाहोगे और मेरा नाम काहोनो है तो तुम लोगों का नाम क्या है। तब आस्था और नोवेल अपना नाम बताते हैं। तब नोवेल पूछती है आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तब काहोनो कहती है मैं तो बस इतनी रात को वोकल ट्रेनिंग कर रही थी क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं सिंगिंग डांसिंग और मैजिक यूज करके सबकी आइडल बन जाऊं। तब आस्था और नोवेल कहते हैं आखिरकार ये आइडल क्या होता है। तब काहोना कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, आइडल्स वो लोग होते हैं जो कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं और वो एक साथ सिंगिंग डांसिंग और मैजिक भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बहुत फेमस आइडल बनना चाहती हूँ और बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। तब नोवेल कहती है क्या तुम ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हो, पैसे के लिए इतना सब कुछ करना तो बहुत बेकार है। तब आस्था कहता है तुम रॉयल्स को पैसों की अहमियत के बारे में नहीं पता है, बिना पैसों के तो तुम खाना भी नहीं खा सकते। तब नोवेल कहती है तो फिर तुम मीट खा लेना। तब आस्था रोने लग जाता है। तब कहुना कहती है तुम तो सच में मेरी बात समझ गई आस्था, पर एक मिनट रुको, तुम्हारी बॉडी बहुत थकी हुई लग रही है, क्या तुम्हें मूवमेंट में दर्द होती है। तब आस्था कहता है पर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। तब कहुनो कहती है क्योंकि मेरे पास ये जानने की पावर है, रुको मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। और तब कहुनो अपने सॉन्ग मैजिक से आस्था को ठीक कर देती है जिससे आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उछलने लगता है। और तब कहुनो इस काम के लिए आस्था से पैसे मांगने लगती है और कहती है अगर तुम्हें और मदद चाहिए तो अगली बार मुझसे मिल लेना। तब आस्था ये सुनकर रोने लगता है और तब कहुनो उनसे उनकी एज पूछती है और वो दोनों 15 बताते हैं। तब कहुनो भी अपनी एज 15 बताती है और वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। और तब कहुनो आस्था और नोवेल के वहाँ आने का रीजन पूछती है और तब आस्था जैसे ही अंडर वाटर टेम्पल का नाम लेता है नोवेल उसे चुप कराने लगती है। और तब कहुनो कहती है पर अगर तुम लोग इतनी रात को यहाँ अकेले हो तो क्या तुम लोग यहाँ रोमांटिक डेट
डेट पर आए हो। तब नोएल उसे मना करने लगती है और कहती है, हम लोग तो बस यहाँ मैजिक ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीखना है। तब कहोनो नोएल को अपना मैजिक दिखाने के लिए कहती है। तब उसके मैजिक को देखकर कहोनो कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है नोएल, तो फिर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अपने मैजिक को कंट्रोल करने में इसलिए मुश्किल आ रही है क्योंकि तुम अपने मैजिक को रोकने की कोशिश कर रही हो। तो क्या तुम इन वेव्स की साउंड को सुन रही हो? मैं इन्हें सुनकर अपने आप को शांत करती हूँ ताकि मैं अपने मैजिक को वैसे ही यूज करूँ जैसे मैं चाहती हूँ। ये शायद मेरे लिए ही काम करता हो, पर मैं ये सोचती हूँ कि सही कंसंट्रेशन तभी बन सकती है जब आपका मन शांत हो। तब नोएल कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब आस्था कहता है, पर मुझे समझ आ गया है क्योंकि मुझे लगता है मैं भी अपना बेस्ट वार तभी कर सकता हूँ जब मैं कुछ सोच ना रहा हूँ। तब नोएल कहती है, तुम तो चुप्पी कर जाओ, ना ही तुम कभी मैजिक यूज करते हो और ना ही कभी कुछ सोचते हो। और तब कोहोनो उसे अच्छी मेमोरीज को याद करने के लिए कहती है और उसे अपने फैमिली के बारे में सोचने के लिए कहती है। और तब उसे याद आता है कि कैसे उसके भाई बहनों ने उसकी बेइज्जती की है। और तब नोएल वहाँ से चली जाती है और तब हम देखते हैं सभी लोग हर रोज मजे कर रहे होते हैं और नोएल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ गोर्डन अपने दोस्तों के जाने की वजह से उदास हो गया होता है। और तब यहाँ नोएल सोचती है, कल फुल मून है तो इसका मतलब मेरे पास बस आज की रात बाकी है, तो अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तब आस्था कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। तो नोएल सोचना छोड़ो, अपने मैजिक को फ्री छोड़ दो क्योंकि शायद अब हमें उसी की जरूरत है। क्या तुम्हें याद है कहोनो ने कहा था कि तुम अपने मैजिक को रोक रही हो, तो शायद अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाओगी। तब नोएल कहती है, क्या तुम पागल हो? तब आस्था कहता है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं अपनी स्वॉर्ड से तुम्हारे मैजिक को काट दूंगा। और तब नोएल अपने पूरे मैजिक को रिलीज करती है और सोचती है, मुझे लगा ही था ये काम नहीं करेगा, मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई अच्छी मेमोरीज भी हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं ब्लैक बुल के सभी मेंबर्स नोएल को चीयर करने वहाँ आ जाते हैं। और तब नोएल सोचती है, अब शायद मुझे लगता है मेरे पास कुछ अच्छी मेमोरीज हैं। और तब यहाँ नोएल को कैप्टन यामी की बात याद आती है जिन्होंने उसे कहा था कि तुम्हारे भाई का कहना है कि तुम एक लूजर हो जो कि अपना मैजिक भी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि ये स्क्वाड सारे लूजर से ही भरी है, तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और तब यहाँ नोएल सोचती है, मैं अपनी फैमिली के साथ कितने सालों तक रही पर मेरे पास उनकी एक भी अच्छी मेमोरी नहीं है, और मैं ब्लैक बुल्स के साथ बस कुछ ही महीनों से हूँ पर मेरे पास उनके साथ बिताई हुई बहुत अच्छी मेमोरीज हैं और उनमें से काफी तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इन सभी ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे मिशन दिया है, तो इसलिए मैं इनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। और तब हम देखते हैं नोएल की ग्रीम वॉर में एक न्यू स्पेल ऐड हो जाता है और तब हम देखते हैं वो अपने मैजिक पर कंट्रोल पा लेती है। और तब नोएल जैसे ही थकने की वजह से नीचे गिरने लगती है आस्था उसे कैच कर लेता है, पर नोएल शर्माकर आस्था के एक थप्पड़ मारती है और तब सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब नोएल कहोनो को ढूंढ रही होती है। तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, तो नोएल आखिरकार तुमने कमाल कर ही दिखाया, तो इसका मतलब हम बहुत जल्दी अंडरग्राउंड टेंपल में पहुंचने वाले हैं। और तब यहाँ कहोनो कहती है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं नोएल जो तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, तो इसलिए मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, तो फिर अब हम टेंपल में मिलते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर ना मैं बहुत सारी चैनल रिलेटेड अपडेट्स होती हैं उसके बारे में वहाँ डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।